हाय। दिवाली को अगर एक महीना भी बचा हो ना, तो घर पे मम्मी रंगोली की डिजाइन्स चूज कर रही होती है। और खाने पीने की तो बात ही नहीं करो, इतना सारा कुछ होता है। हम हमारे लिए बनाते हैं, हम आने वाले मेहमानों के लिए बनाते हैं, मेहमान हमारे लिए बनाते हैं। और आप समझ रहे हो ना, इसलिए दिवाली मेरा फेवरेट फेस्टिवल है। हाँ, पर उसके साथ आते हैं काम, ढेर सारे काम, जैसे कि साफ सफाई, रूम की सफाई, जो कि मैं कभी करती नहीं हूँ। खैर, तो चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मेरी सुबह की शुरुआत कैसे हुई और मेरा दिन कैसा जाता है। उठ जा, चल उठ जा, सुबह के 11 बज गए हैं। क्या 11 बज? यार माँ, 7 ही तो बजे है ना। हाँ, तो दिवाली है ना, घर में कितने सारे काम हैं। ऐसे कुंभकर्ण की तरह सोती रहोगी तो कैसे चलेगा। पड़ोसी की बच्ची देख, इतनू से है सुबह सुबह उठ के घर के सारे काम करने लग गए। अच्छा, आपको कैसे पता वो क्या कर रहे हैं। और उनमें से उनका एक बच्चा तो सिर्फ 1 ही साल का है। हाँ तो तू देख, इतनी बड़ी घोड़ी बन चुकी है। चलो उठो, अभी बस 5 मिनट। 5 मिनट? 5 मिनट कुछ नहीं, ऐसे 15 मिनट में नहा धोके बाहर आने का। ठीक है, सुबह उठना पड़ा तो पड़ा, लेकिन क्योंकि आज दिवाली का पहला दिन है, मतलब पटाखों की बरसात होगी। रॉकेट क्यों चला रहा है? किसी के घर में घुस गया तो, मेरे पीछे आ गया तो? वेलकम नहीं देखी है क्या किसी ने? यहाँ इतना शौक है ना रॉकेट का, तो उसी रॉकेट पे बैठ के तू क्यों नहीं चला जाता? तू बॉम्ब फोड़ना। तू फोड़? छे डरपोक। ओ हेलो, मैं कोई डरपोक वरपोक नहीं हूँ, वो तो मेरा कुत्ता डर जाएगा इसीलिए। तेरे पास कुत्ता है? नहीं, लेकिन अगर होता तो। मैंने तुझे अभी बॉम्ब उड़ा के दिखाती हूँ। लगता है ये बॉम्ब खराब है। अब दिखाती हूँ मैं उन्हें। यार अब ऐसे क्या देख रहे हो, वो ना बॉम्ब में खराबी थी इसलिए, ठीक है ना। और वैसे भी ये पटाखे वटाखे तो आजकल सिर्फ बच्चे उड़ाते हैं, काफी आउटडेटेड है ये। दिवाली का मजा इसमें थोड़ी ना होता है, वो तो मिठाइयों में होता है। घर में लड्डू जो बने हैं, चलिए मेरा मतलब वहां चलिए। तुम मेरे और मैं तुम्हारी हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी। हे बाबा, बाहर मेहमान आए हुए हैं और तुझे यहाँ मिठाई ठूसना है, लेकिन मैं उनको पहचानती भी नहीं हूँ। अरे वो मेरी पुणे वाली मौसी है ना, उनके बेटे के चाचा के पड़ोसी की बेटी आई है। एक सेकेंड। हाँ चला तबा है। किसके चाचा की बेटी का क्या? हमारे पड़ोस में कभी हमारे घर नहीं आए। और बेटा कैसी हो, पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया। जब लास्ट टाइम उसको देखा था, ऐसी तो छोटी सी थी, लेकिन हम तो पहली बार मिल रहे हैं ना। बच्चे भी ना। अरे मिठाई लीजिए ना। अरे और लीजिए।
अरे नहीं नहीं बस बस नहीं, और नहीं चाहिए। यार इन्होंने तो एक भी मिठाई नहीं खाई, इससे अच्छा तो मैं ही खा लेती। एक लू क्या? नहीं नहीं अगर मम्मा ने देखा तो फिर से डांट पड़ेगी। अच्छा जी मैं चलती हूँ। हाँ मेरा मतलब है इतने जल्दी मजाक। रिश्तेदार आने का एक फायदा होता है पैसे मिल जाते। अभी लड्डू और मेरे बीच ना कोई नहीं आ सकता। कितनी सुंदर रंगोली बनाई है तूने। रंगोली? कैसी रंगोली? मैंने कोई रंगोली नहीं बनाई। हाँ वही सुबह बोला था ना तुझे रंगोली बनाने। कहाँ है रंगोली? बस खाए जा रही है सुबह से। जा आता बन बने चल जा। उससे पहले ये लड्डू खा लो। नहीं मैं अभी जाके ना सबसे पहले रंगोली बनाती हूँ। अभी जाती हूँ। डायबिटीज हो जाएगी। अच्छी बनी है ना? अबू भाई ये क्या है? दिवाली की रंगोली बनाई है फर्स्ट स्टैंडर्ड की ड्राइंग। राहुल है मैं ही बना दूंगी। तू जा। इतनी बुरी भी नहीं थी। ये घर तो एकदम झोपड़ी जैसा दिख रहा है। यार अब बस हो गया, इससे ज्यादा नहीं होगा मुझसे। मिठाई तो किस्मत में थी नहीं और ना ही लड्डू। लड्डू वैसे आपके घर में क्या बना है? मैं मेहमान बन के आपके घर आ जाऊंगी। कोई बात नहीं छोड़िए। ये बताइए कि वीडियो कैसी लगी? दिवाली का सीजन आया मतलब घर में एकदम हंगामा चालू हो जाता है। खाने का पीना और रंगोली डेकोरेशन लाइटिंग और पता नहीं क्या क्या। बड़ा मजा आता है मुझे तो। तो आई के सब कहने के लिए सिर्फ एक ही चीज बाकी है। हैप्पी दिवाली। ये सो हैव अ वेरी हैप्पी सेफ यू नो धमाकेदार दिवाली। थैंक यू।